कोरोना से मौत का डर नहीं है, अब डर है तो भूख प्यास से मरने का। रहने को छत ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन भूख मिटाने के लिए रोटी चाहिए ही होती है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्रवासी मजदूर अपने एक एक महीने के दूध मुए बच्चों के साथ जूझ रहे हैं, जिनके लिए दूध तक का इंतजाम नहीं हो पा रहा। किस तरह की परेशानी है यहाँ पे? यहाँ पर हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, हमारे पास कोई पैसा भी नहीं है जिससे हम अपने बच्चों को खाना भी खिला सकें। हल्द्वानी के प्रवासी मजदूरों के सवाल कई हैं, लेकिन जवाब नदारद। न काम मिल रहा और ना ही पैसा, घर जाना भी सपना बनकर रह गया है। प्रशासन से बात हुई घर जाने के लिए? जी हाँ, उन्होंने हमारी कुछ सुनवाई नहीं करी बिल्कुल भी। कितने लोग होंगे यहाँ पर? हम यहाँ पर 250 लोग हैं जी। मजदूरों का आरोप है कि लॉकडाउन के बाद से प्रशासन ने सिर्फ 2 बार कच्चा राशन बांटा। गुहार लगाते मजदूर यूपी जिले के मजदूर हैं, जो गौला नदी में खनन मजदूरी करते हैं। 19 तारीख को 22 तारीख को लॉकडाउन लग गया, हमारे पास काम नहीं है इधर, तो हम क्या करें बताओ, हमारे पास पैसे नहीं, हम कैसे अपना पेट पालें, कैसे बच्चों को पालें। सरकार का खाना आ तो रहा है? कुछ नहीं आ रहा है इधर, कुछ नहीं आ रहा है। 15 दिन में 5 किलो चावल मिल जाते हैं, तो बताओ उस चावलों से क्या होता है, चावल खा के क्या मर जाएं क्या? कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे इधर हैं, 2 बच्चे घर पे रो रहे हैं कि मम्मी कब आओगी कब आओगी, सरकार हमारा व्यवस्था नहीं कर रही है जो हम अपने घर पहुँच जाए। हम झालों में रहते हैं, ओले गिरते हैं, आंधी आती। जाना चाहते हो गाँव? हाँ, हम अपने गाँव जाना चाहते हैं। अब हम राशन नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। पहली बात तो राशन इधर मिल ही नहीं रहा, हम अपने घर जाते हैं, पैदल निकलते हैं तो लाल कुआं तक जाते हैं, पुलिस हमें मार मार कर इधर लौटा कर फिर वापस कर जाती है इधर, हमें पैदल भी नहीं निकलने देते हैं। गौला उत्तराखंड सरकार को सबसे अधिक राजस्व देने वाली नदी है और 4 लाख लोगों की प्यास बुझाती है, लेकिन लॉकडाउन में उसका साथ भी छूट चुका है। इसी नदी किनारे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के सैकड़ों परिवार झोपड़ियों में रह रहे हैं। खाने के संकट के चलते इन लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों का दरवाजा खटखटाया तो कुछ मदद मिली, जो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुआ। घर जाना चाहते हैं? हाँ, घर जाना चाहते हैं। कैसे जाएंगे? कैसे भी, वाहन मिल जाए तो वाहन की व्यवस्था बना दो, नहीं तो नहीं व्यवस्था वाहन की बन रही, हमारी पैदल की व्यवस्था बना दो, हम पैदल भी चले जाएंगे। पैदल जाएंगे कितना टाइम लगेगा? कितना भी, अब वैसे तो कोरोना से मर रहे हैं आदमी, हम ऐसे ही मर जाएंगे, भूखे पेट मर रहे हैं, चल चल के मर जाएंगे, क्या करें, वैसे भी मरना है हमें तो।